जय हिंद। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनका CUET UG 2023 का एंट्रेंस का फाइनल रिजल्ट आ गया है और बच्चे अपना स्कोर कार्ड देख चुके हैं। अब उनको करना है अप्लाई यूजी के कोर्सेज में, यदि आपने JNU में किया है अप्लाई। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो वेट कर रहे थे डिप्लोमा कोर्सेज में या सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, JNU में कुछ कोर्सेज में जो सीटें निकाली गई थी उसको लेकर भी अपडेट आया है। BA ऑनर्स के फर्स्ट ईयर में कित सब्जेक्ट में लगभग 9 सब्जेक्ट है मेरी स्क्रीन पे सामने, जिसमें JNU फॉर्म मांगे, कितनी कितनी सीटें हैं उसका पूरा टेबल आ गया है, यानी कि पूरी सूचना आ गई है। और BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्सेज के विषय में भी जानकारी आ गई है, साथ ही साथ में कब से करना है रजिस्ट्रेशन और क्या है लास्ट डेट, इसके बारे में भी जानकारी आई है। एक जानकारी अभी तक नहीं आई है, PhD में एडमिशन का फॉर्म निकला है लेकिन जिन बच्चों का नेट या JRF क्वालिफाई नहीं है उन बच्चों को कब से करना है आवेदन, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको उसके बारे में सूचना दे देंगे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे BA ऑनर्स कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि CUET के तहत, वो बच्चे 2 अगस्त तक अप्लाई कर दीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा, अपने नंबर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड और अपग्रेड का ये लास्ट डेट आपको दी गई है 2 अगस्त 2023 UG कोर्सेज में। यदि आप BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि बायोलॉजी का है उसमें अप्लाई उसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उसके लिए अप्लाई करने की डेट है 2 अगस्त, और जो बच्चे सर्टिफिकेट ऑफ प्रेफरेंस यानी कि CUP में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डेट भी है 2 अगस्त, और PhD के अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 अगस्त। तो इन सभी के अलग अलग लिंक है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा वेबसाइट पर जाकर, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने COP वाला लिंक खोल लिया और उसमें आप BA वाला अप्लाई करें तो अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से लिंक को देखिएगा, सभी के चारों पांचों अलग अलग लिंक है, वेबसाइट से खोजकर मैं आपको दे दूंगा, समस्याएं आपको नहीं आएंगी, ठीक है। अब आते हैं सीट्स पर, हम पहले बात कर लेते हैं ऑनर्स कोर्स के सीट की, जो BA ऑनर्स है जिसके अंदर 9 लैंग्वेजेस मेरे सामने हैं उसकी हम बात करेंगे, और टोटल सीटें मैं आपको बताऊंगा, कैटेगरी वाइज सीटें आपको वेबसाइट पर दिए गए प्रोस्पेक्टस में प्राप्त हो जाएगी। ये है BA ऑनर्स फ्रेंच, इसमें है 48 सीट्स। फिर है BA ऑनर्स जर्मन स्टडीज, इसमें है 48 सीट्स। थर्ड है BA ऑनर्स रशियन, है ना, रशियन, इसमें है 68 सीट्स। BA ऑनर्स स्पेनिश 39 सीट्स, जैपनीज 48, कोरियन 39, चाइनीज 44, BA ऑनर्स पर्शियन 39, और BA ऑनर्स पश्तो पर्शियन में 39 एंड पश्तो में 19, यानी कि 19 और लास्ट में BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर अरबिक में, इसमें आई हैं 39 सीट्स, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो 80% सीटें हैं वो फर्स्ट ईयर ऑफ थर्ड ईयर BA ऑनर्स के बच्चों को दी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। जिसका अगर खासकर आपने ऑनर्स कोर्स नहीं पढ़ा है या अभी प्रोग्राम में है तो आपको प्रेफरेंसेस में मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ रिजर्वेशन की जो भी पॉलिसी होगी भारत सरकार की जो है वो यहाँ भी लागू होगी, इसका ध्यान रखिएगा। BSc और MSc इंटीग्रेटेड का एक ही कोर्स है इसमें, जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आयुर्वेदा एंड बायोलॉजी, जिसके अंदर टोटल 20 सीटें रखी गई हैं, AYBU इस कोर्स का नाम है। अब आते हैं COP कोर्सेज को लेकर, COP कोर्सेज में 5 और 5-10 लगभग 10-11 कोर्सेज में सीटें आई हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला है इसमें COP उर्दू, इसमें 25 सीट्स हैं। COP मंगोलियन 19 सीट है। भाषा इंडोनेशिया जो कि सेंटर फॉर चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के अंतर्गत आता है, इसके अंदर 39 सीट्स हैं। COP पश्तो, इसमें 19 सीट है, पहले मैंने आपको बताया उज्बिक में, ये पश्तो BA ऑनर्स का भी है, और ये पश्तो जो मैंने बताया यह एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स है, मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, जिसमें उर्दू है, मंगोलियन है, भाषा इंडोनेशियन 39 सीट, और फोर्थ है आपका पश्तो 19 यानी कि 19। उज्बेक, COP उज्बेक 19 सीट। फिर है आपका इसमें
हिब्रो एक भाषा है, नहीं तो हिब्रो भी बोलते हैं, हिब्रो भी बोलते हैं। इसमें 25 सीट्स हैं। फिर ये आपका संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज लैंग्वेजेस है इसके अंदर। इसमें भारत की अलग अलग पांच पांच चार भाषाएं हैं, फ्लॉसी वगैरह इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। पहला है सीओपी पाली, इसको पाल भी बोलते हैं। और ये जितने भी लैंग्वेजेस कोर्स आपको बता रहा हूँ सभी के सभी अंग्रेजी माध्यम में ही हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाल यानी कि पाली 25 सीट्स, संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक 25 सीट्स, संस्कृत 25 सीट्स, योगा फिलोसफी 25 सीट्स, वैदिक कल्चर 25 सीट्स, ठीक है। और सीट्स के जो बीए वाला मैंने आपको बताया है, ध्यान से फिर से मैं आपको कह दूं, जो सीओपी वाला इसमें लिंक है उसके अनुसार उसकी लास्ट डेट है 2 अगस्त 2023। तो इम्पोर्टेंट डेट्स का ध्यान रखिएगा, सीट्स के अकॉर्डिंग अपना अप्लाई करिएगा। सीट्स कैटेगरी वाइज डिवाइड करी गई हैं, इसका ध्यान रखिएगा। एक से अधिक लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने सीयूटी के दौरान अप्लाई करते वक्त में उन लैंग्वेज का चयन किया है तो ही आप एक से अधिक लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये था जेएनयू की तरफ से आया हुआ नया अपडेट। आपने किस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, किस कोर्स में अप्लाई किया है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके पास भी कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कोई समस्या है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर या इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो कमेंट में उसको बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं और उम्मीद करते हैं आप अपना अध्ययन और अपना अभ्यास अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अध्ययन करेंगे आप तो या तो आप सीखेंगे या आप सफल होंगे, हारेंगे कभी नहीं, क्योंकि अध्ययन कभी हराता नहीं है। आपको एक सभ्य समाज का नागरिक बनने के मार्ग में एक कदम आगे लेकर जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।